10.5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमें गिवन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. हमें करेक्ट चॉइस चूज करनी है एंड उनके उसको जस्टिफाई भी करना है. तो हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है 30 टर्म ऑफ एन एपी A 10.74 इज, हमें 30 टर्म निकालनी है एपी की जिसमें हमें एपी ये गिवन है. सो हमें एपी क्या गिवन है, 10.74. ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 10, डी की वैल्यू हम क्या निकालेंगे A2 की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू क्या है 10, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -3. ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, डी की वैल्यू -3 हमने निकाल ली है. अब हमें 30 टर्म मतलब एन हमें कितना गिवन है 30. ठीक है, हमें ए 30 निकालना है, 30 टर्म निकालनी है. तो ए 30 हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए की वैल्यू 10, एन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 30 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या होगी -3. 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, तो 10 का 10 29 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 77 माइनस का. ठीक है, हमारी क्या वैल्यू आ रही है 87. ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 87, 87 में से 10 गए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 77. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी. सो हम लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि हमें गिवन है 11 टर्म ऑफ एन एपी. हमें एपी गिवन है जिसकी हमें 11 टर्म निकालनी है. सबसे पहले एपी लिख लेते हैं. ठीक है, इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 की वैल्यू क्या गिवन है -1/2, माइनस ए की वैल्यू क्या गिवन है -3, -1/2 माइनस माइनस प्लस. इसको सॉल्व कर लेते हैं, या 3 के नीचे कुछ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं गिवन तो हम 1 मान लेंगे, 1 की लिमिट 2 2 पे आता है, 3 टू द 6, सो वैल्यू क्या आ गई 5/2. अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या गिवन है 11, क्योंकि हमें 11 टर्म निकालना है, तो n हमारे पास कितना गिवन है 11. सो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -3, प्लस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 11 -1 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5/2, -3 का -3, प्लस 11 में से 1 गए 10 इंटू 5/2. अब ये कट रहा है 5 पे, -3 का -3, 5 5 द 25. ठीक है, सो 25 में से -3 चले जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22. तो हमारी एन 11 की वैल्यू क्या आ गई 22. ठीक है,